नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात में। योगी सरकार में दबंगों की प्रताड़ना से पीड़ित बुजुर्ग लगा रहा है अधिकारियों के यहाँ कई महीनों से चक्कर। पीड़ित बुजुर्ग के घर के आगे सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे दबंगों ने खड़े कर दिए हैं पिलर। लगातार फैल रही गंदगी बदबू से परेशान बुजुर्ग लगातार कई महीनों से काट रहा है अधिकारियों के चक्कर। विरोध करने के दौरान दबंग लगातार बुजुर्ग को कर रहे हैं परेशान। सरकारी जमीन की लेखपाल द्वारा पैमाइश करने के बावजूद दबंग कर रहे हैं कब्जा। नहीं रहा योगी सरकार का डर। विरोध करने पर बुजुर्ग के साथ मारपीट पर आमादा। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड के बावजूद भी बुजुर्ग लगा रहा है अधिकारियों के यहाँ चक्कर। मांग रहा है न्याय। मोगनीपुर तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों के पास बुजुर्ग की समस्या सुनने के लिए नहीं बचा है समय। सर्दी के मौसम में अधिकारी पी रहे हैं कड़क चाय का प्याला। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का नहीं हो रहा है समाधान। तहसील भोगनीपुर क्षेत्र के अस्थिया गांव का है मामला। क्या नाम है, कहां रहने वाले हैं? हम रमनाथ सिंह, मेरा नाम है, ग्राम अस्थिया के रहने वाले हैं, जिला मुद्दा बरसा है, जिला कानपुर देहात। क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कत ये है कि हमारे गाँव में ग्रामों की खाद के गड्ढों पर जब हरजनों ने दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे कूड़ा करकट गोबर है तो सारा खरंजा में और सड़क पे पड़ा हुआ है और कहने में मारपीट मारने करने को आवाजा हो जाते हैं। कई बार हम सरकार डीएम महोदय को दिया, एसडीएम महोदय को दिया, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, न मेरी कोई सुनवाई हुई। अतः मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों से, हमारा किसी तरीके से ये दबंगों द्वारा कब्जा हट जाए तो गाँव की गंदगी खत्म हो जाएगी। ये मेरा आपसे निवेदन है। हम परेशान है, कम से कम हमको 27/3/2019 से बराबर प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ और आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। और मैं उसमें समाधान दिवस में गया है, उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड है। जन सुनवाई केंद्र में कानपुर देहात जिलाधिकारी से मुला चले गए, जो पहले वाले जिलाधिकारी महोदय थे, अब इनके पास नहीं जा पाया हूँ। और मैं 5 तारीख को इनको यहाँ पर वो दिवस था, हम नहीं आ पाए। अब 3 महीने बाद फिर इनके सामने जवाब पेश होंगे, इसलिए हम परेशान। सर्दियों में दिक्कत बहुत हो रही, सब हम वृद्धावस्था वही है और सब हम इतने परेशान हैं कि हमारे खेत को खाद में गड्ढा डालने कूड़ा डालने के लिए बहुत दिक्कत परेशान है। अतः मेरा निवेदन है कि हमारे किसी तरीके से वहाँ से खर्च दिया जाए। ये जमीन है जो गाँव समाज में तहसील में अंकित है, तहसील मंत्री खतरा कौनी अंकित है, लेखपाल ने भी रिपोर्ट दे दिया है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो दबंगों द्वारा लगातार कब्जा करके वहाँ गंदगी फैलाई जा रही है। हाँ, दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया सरकारी भूमि पर। कब्जा कर लिया, उन्हें चारों बजे टट्टा लगाकर सीमेंट के पिलर गाड़ दिए, बीच में झोपड़ा बना दिया, सौर ऊर्जा लगा दिया है, ये इन्हें कर लिया है वहाँ पर करने का वादा। चारों बल खेल लिया, कोई यहाँ पर जगह तक नहीं है, उसी बारी बार तो वो कर लिया है। कानपुर देहात से इंडियन प्राइम न्यूज के लिए संवाददाता जंग बहादुर की खास रिपोर्ट।